राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रद्योत, आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ज्ञानप्रद छोटी सी क्लास, एक ऐसी क्लास जो हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए बेहद खास हो सकती है। हिंदी बोलने वाले, हिंदी भाषा क्षेत्र में जन्म लेने वाले ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी से प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि सुबह से शाम तक दैनिक बोलचाल में हिंदी के शब्दों का कम प्रयोग होता है, बहुत कम प्रयोग होता देखा गया है हिंदी के शब्दों का। तो जब भी हम हो या आप हो या कोई भी हो, कहीं भी आप देखिए दैनिक जीवन में, जहाँ भी सुबह से शाम तक लोग बोलते हैं, कभी अरबी के शब्द होते हैं, कभी फारसी के होते हैं, कभी अंग्रेजी के होते हैं, कभी अन्य भाषाओं के होते हैं, हिंदी के शब्द बहुत कम होते हैं। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी को जानने के लिए आज हम एक छोटी सी क्लास लेकर आए हैं, हिंदी जाने, हिंदी को जाने, हिंदी को पहचाने, हिंदी के शब्दों को पहचाने और हिंदी के शब्दों का अधिक से अधिक अपनी वार्तालाप में, अपनी बातों में प्रयोग करें। तो वार्तालाप करते समय सबसे अधिक हिंदी के शब्दों का प्रयोग कीजिए। चलिए आइए हिंदी को जानते हैं। वैसे तो ये क्लास पहले रिकॉर्ड हो चुकी थी, इसलिए इसमें प्रश्न उत्तर सब एक साथ हो गए हैं, लेकिन तकनीकी कारण से इस क्लास को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आंसर भी साथ हैं और प्रश्न भी साथ हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अंग्रेजी, जैसे हम अरबी में, आज हम अरबी के शब्दों को लेकर आए हैं, जैसे हम अरबी में अक्सर कहते हैं, जैसे हम अरबी में क्या कहते हैं, अक्सर, उसे हिंदी में प्रायः या अधिकतर कहते हैं। ज़्यादातर लोग अक्सर शब्द का प्रयोग करते हैं कि अक्सर ऐसा हुआ, अक्सर वैसा हुआ, लेकिन हिंदी में जब हम प्रयोग करेंगे तो प्रायः, प्रायः कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, प्रायः या अधिकतर। तो ध्यान रखें कि प्रायः शब्द का अधिक प्रयोग करें, अक्सर शब्द का कम प्रयोग करें। जानते जरूर रहें कि किस शब्द का क्या अर्थ है, लेकिन हिंदी के शब्द जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अक्ल, तेरी तो अक्ल मारी गई है, तुझमें अक्ल नहीं है, अक्ल का दुश्मन है, तो इस तरह के शब्द, वाक्य प्रयोग, इस तरह के वाक्यांश, इस तरह के मुहावरे प्रयोग में होते हैं। तो अक्ल शब्द का हिंदी अर्थ होता है बुद्धि या समझ। अक्ल का अर्थ क्या होता है, बुद्धि या समझ, अर्थात बुद्धि को ही अक्ल कहते हैं। तो अक्ल के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग किया जाए या समझ का प्रयोग किया जाए। अब है अक्लमंदी, अक्लमंदी दिखाई, उसने अक्लमंदी दिखाई परीक्षा के समय, अक्लमंदी दिखाई जिससे कि पास हो गया, तो अक्लमंदी का मतलब है समझदारी। अक्लमंदी का मतलब क्या है, समझदारी। अक्लमंदी यही होती है कि आप परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा में आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तो बिना सोचे बिना विचारे कोई भी विकल्प मत लगा दीजिए। पहले जो आपको आ रहे हैं उन विकल्पों पर चर्चा कीजिए, उन्हें हल कीजिए, और फिर जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसके चारों विकल्पों पर विचार कीजिए, सोचिए, समझिए, कहीं ना कहीं से आप उत्तर तक अवश्य पहुँच जाएंगे। तो ये समझदारी होती है। अक्स बहुत अच्छा शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्दों के हम सामने हमने टिक भी लगा रखा है। अक्स का अर्थ होता है परछाई या चित्र, ठीक है, ये मेरा अक्स है, इस पर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, परछाई दिखाई दे रही है लाइट की तीव्रता के कारण, तो ये अक्स है, ठीक है। अखबार, आज भी सुबह सुबह जब गांव में घर में अखबार वाला लेके आता है तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं अखबार आ गया, ठीक है, अखबार, कौन सा अखबार मंगाते हो, कौन सा अखबार पढ़ते हो, ठीक है, कौन से अखबार में समाचार निकला है, तो ये समाचार पत्र, अखबार के स्थान पर हिंदी का शब्द क्या प्रयुक्त होगा, समाचार पत्र। अब है अजनबी, अजनबी, अपरिचित को अजनबी कहते हैं, ठीक है, अजनबी शब्द के लिए अपरिचित शब्द का उपयोग किया जाए। अजब, अजब का अर्थ हिंदी में होगा अनोखा, और अजायब घर का अर्थ होगा संग्रहालय, अजायब घर, अजायब घर आपने देखे होंगे जहाँ पर वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, विभिन्न प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह होता है, उसे अजायब घर कहते हैं। तो ये पहले पेज पर कुछ हो गए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो दूसरा पेज है, अरबी शब्द इधर लिखे हुए हैं, इधर हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं। अजायब, अजायब का अर्थ होता है अद्भुत, ठीक है, अजायब नज़ारा देखा, कैसा नज़ारा देखा, अद्भुत नज़ारा देखा। अजी, अजी को एजी से संबोधित कीजिए, एजी, ठीक है, अजी सुनते हो। अजीज बहुत अच्छा शब्द है, अजीज, खूब हमारे प्रिय मित्रों, अजीज मित्रों, अजीज विद्यार्थियों, अजीज का मतलब क्या है, प्रिय, बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं ये, तो प्रिय है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है अजीब, अजीब का अर्थ होता है विचित्र, अजीब का अर्थ क्या होगा, विचित्र, अजीब व गरीब, बेढंगा, बेढंगा होगा, उसे अजीब व गरीब कहते हैं, अजीब व गरीब की हिंदी बेढंगा। अजूबा का
सात अजूबा, आठ अजूबा, दस अजूबा, एक अजूबा। अजूबा का अर्थ क्या होता है? आश्चर्यजनक वस्तु, जिसे देखकर आश्चर्य हो। अदद का अर्थ होता है संख्या, और अदना का अर्थ होता है तुच्छ या छोटा, अदना आदमी। ठीक है, अगला है अदायगी, इसका अर्थ होता है भुगतान। आपने कर्ज लिया, बैंक से लोन लिया, उसकी अदायगी हो गई, भुगतान हो गया या नहीं। अदालत का अर्थ होता है न्यायालय, आज भी अदालत शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते हैं लोग न्यायालय की अपेक्षा। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? न्यायालय। अदालती का हिंदी में क्या होगा? न्यायालय संबंधी, न्यायालय से जुड़ा हुआ। अदावत, अदावट या अदावत, इसका अर्थ होता है शत्रुता। ठीक है, आपकी किसी से अदावत है तो अंधेरे में मत निकलिए। बुजुर्ग लोग कहते हैं अरे अदावत है तो अंधेरे में मत निकलो। अदावत का मतलब शत्रुता, अदावती का मतलब शत्रुता रखने वाला। अफवाह का मतलब उड़ाई गई बात, कोई झूठी बात उड़ाई गई हो उसे अफवाह कहते हैं। ठीक है, अफीम एक मादक द्रव्य। अबीर का अर्थ होता है गुलाल, अबीर जब होली आप खेलते हैं तो जो गुलाल लगाते हैं वो अबीर होता है। ठीक है, अबीर का यानी कहेंगे अरबी में और हिंदी में कहेंगे उसे गुलाल। अमन का अर्थ होता है शांति, अमन और चैन। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला देखते हैं, अब अगला पेज तीसरा, ये देखो अरबी और ये हिंदी। अमन चैन सुख चैन, ठीक है, अमन चैन सुख चैन। अमली जामा कार्य रूप, किसी भी कार्य को अमली जामा पहनाना, के आपने जो भी रूपरेखा बनाई उसे कार्य रूप में परिणित करना अमली जामा कहलाता है। उसके बाद है अमानत, अमानत को हिंदी में कहेंगे धरोहर या थाती। ठीक है, जैसे लड़कियां अपने पिता के घर अमानत होती हैं, आया है अभियान शाकुंतलम में, तो क्या होती है? एक धरोहर होती है, एक थाती होती है। आपके पास किसी वस्तु को रख दिया तो वो अमानत है किसी ने जिसने रखा। अमीर का अर्थ धनी या धनवान होता है। अमीर शब्द आज भी समाज में ज़्यादा प्रयुक्त होता है, अमीर गरीब, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। अमीर का मतलब धनी या धनाढ्य। ठीक है, उसके बाद है अमीरी धनाढ्यता। अमूमन का अर्थ होता है प्राय, अमूमन का अर्थ क्या होता है? प्राय। अर्जी या अर्जी का अर्थ होता है आवेदन या प्रार्थना पत्र, अर्जी लगाई है, अर्जी सुन लो प्रभु, हे प्रभु। अर्दली, जब भी किसी आप अधिकारी के यहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डीएम साहब के अर्दली हैं, ये एसडीएम साहब के अर्दली हैं। अर्दली का अर्थ होता है चपरासी। ठीक है, तो अरबी में अर्दली कहते हैं और हिंदी में उसे चपरासी कहते हैं। अरदास प्रार्थना या भेंट को ही अरदास कहते हैं। अराजी या आराजी कहते हैं भूखंड को, भूमि के खंड को अराजी या आराजी कहेंगे। अर्ज का अर्थ होता है अर्ज सुन लो, मेरी अर्ज सुन लो गिरधारी। ठीक है, प्रार्थना या निवेदन। अलबत्ता का अर्थ होता है नहीं संदेह, और अलहदा का अर्थ होता है अलग। अलानिया का अर्थ होता है डंके की चोट से। अलावा का अर्थ होता है अतिरिक्त, इसके अलावा मतलब अतिरिक्त। अवाम का अर्थ होता है जनता, अवाम का अर्थ क्या होता है? जनता। तो आज की इस छोटी सी क्लास में हमने ये महत्वपूर्ण शब्द लिए। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो प्रद्योत गुलकुट टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट करके अवश्य बताइए। मिलेंगे फिर, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय श्री राधे।